ए फ्रेंड्स, तो मैं गया था एक रोड ट्रिप पे और अचानक से बम के कारण मेरा कोल्ड ड्रिंक इस सेक्शन के ऊपर गिर गया और सीट के ऊपर भी काफ़ी सारा सेक्शन छलक गया। तो अब इसे हटाने के लिए यूज़ करेंगे टर्टल वैश का ये इंटीरियर क्लीनर प्रोडक्ट। ये फोम बेस्ड क्लीनर है, उसके साथ ये ब्रश भी आता है, इट्स अ सॉफ्ट ब्रश। तो आइडिया बहुत ही सिंपल है, ये एक ड्राई फोम जैसा है, जैसे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है कि इट्स इन वन स्टेप अ क्लीनर फॉर योर कारपेट, फैब्रिक, विनाइल्स, यू नो, इंटीरियर के ज़्यादातर सरफेसेस के लिए। तो चलिए आज इस फोम को यूज़ करके देखते हैं और क्या रिजल्ट आता है ऑन दिस सेक्शन। तो कैन को शेक करने के बाद अफेक्टेड एरिया के ऊपर एक फोम का लेयर डाल दीजिएगा। तो फोम का जो स्प्रेड है इट्स क्वाइट वाइड, जैसे आप देख सकते हैं, और काफ़ी सारा फोम निकल आता है। नाउ ये ड्राई फोम टाइप है, जिसका मतलब है कि ये बहुत बहुत कम सरफेस को वेट करती है, और जो सप्लाइड ब्रश है उससे आप इस फोम को सतह पे अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लीजिए। बेसिकली यू वर्क द प्रोडक्ट इनटू द सरफेस। सो क्या होगा, जो सतह पे जो और सतह के नीचे जो स्टेन्स हैं या डर्ट है, वो ये फोम धीरे धीरे ऊपर की तरफ लिफ्ट अप कर देगी। आप इस फोम को ब्रश से स्प्रेड करने के बाद 5 मिनट छोड़ दीजिएगा। उसके बाद एक डैम्प क्लॉथ, कोई भी हल्का सा भीगा हुआ क्लॉथ लेके उसी सरफेस के ऊपर एक बार वाइप कर दीजिए। तो जो भी धूल मैल जो भी था वो सरफेस पे आ जाती है फोम के थ्रू, और फिर आप एक क्लॉथ लेके उसको वाइप कर दीजिए। जैसे देख रहे हैं मैं अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दे रहा हूँ। अब आप इसको प्लास्टिक के ऊपर भी डाल सकते हैं, ये ब्रश काफ़ी सॉफ्ट होता है, कोई टेंशन नहीं है। तो अच्छी तरीके से वर्क द प्रोडक्ट इनसाइड, ब्रश मार दीजिए, 5 मिनट छोड़ दीजिए, एंड जस्ट फाइनली वाइप इट डाउन विथ अ वेट डैम्प क्लॉथ, और फिर उसको एयर ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। अगर सरफेस बहुत ही गंदा है तो उसके पहले आप एक बार वैक्यूम कर लीजिए, जो भी ड्राई पार्टिकल्स हैं, यू नो, लूज पार्टिकल्स हैं, वो हट जाएंगे। उसके बाद आप फोम और वेट वाइप कर लीजिए, और अगर आपको जल्दी से सुखाना है तो आप लास्ट में एक फाइनल वैक्यूमिंग भी कर सकते हैं। तो जो भी हल्का फुल्का मॉइस्चर रह गया है इट विल कम आउट। हैविंग सेड दैट, जैसे मैं यहाँ साफ करके इवन सीट्स के ऊपर और ये डोर पैनल पे मैं करीबन 15 मिनट दरवाजे खोल के रख दिया था और वो खुद ब खुद एयर ड्राई हो गया था, लिटरली, यू नो, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आप डरिएगा मत कि ये सरफेस काफ़ी वेट हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए मैं यहाँ सीट के ऊपर भी कर रहा हूँ, चलिए देखते हैं फाइनल रिजल्ट्स। तो वाइप करने के बाद ये है फाइनल रिजल्ट, आप देख सकते हैं जो स्टेन था वो कम्प्लीटली चला गया है। इस एंगल से भी देखिए कोई भी गंदगी नहीं रही है सरफेस पे, एंड इट इज़ लुकिंग जस्ट लाइक न्यू। कार के सीट के ऊपर भी सेम रिजल्ट्स आप देख सकते हैं। मैं एक्चुअली दूसरा पैनल भी कर लिया हूँ, एंड दिस इज़ ऑल्सो लुकिंग वेरी गुड, इट्स वेरी क्लीन, ऑलमोस्ट न्यू लाइक। सो At the end of the day, finally I'll say this is a very good product for getting rid of stains and dirt from your cloth and vinyl surfaces. और देखिए ब्रश ने भी काफ़ी मैल कलेक्ट किया है, जो आपको कभी यू नो विजिबली आपके आंखों से दिखता नहीं है। सो दिस प्रोडक्ट इज़ डेफिनेटली यू नो अ गुड बाय फॉर दिस प्राइस, इट्स डेफिनेटली अ थम्स अप फ्रॉम माई एंड। सो होपफुली दिस वीडियो वॉज ऑफ हेल्प टू यू, थैंक यू।